Hello guys, welcome back to my online classes, and today we will discuss about a printer and different types of printers, impact and non-impact printers. And in this we will discuss about introduction of a computer printers. Or printer hote kya hai? These are output device because they can produce a result from your soft copy. Okay, the printer is a device that prints a text documents and image on a paper, means convert a soft copy to a hard copy. Soft copy, what is the soft copy? That is created by your MS Word and any other applications in your computer. That is your soft copy. And what is your hard copy? That can be produced from your printers and any other output devices. That is called your hard copy. यानी कि जो आपकी hard होगी, tangible, यानी कि जिसको हम touch कर सकते हैं. Soft copy होती है intangible, यानी कि जिसको आप touch नहीं कर सकते. For example, आपका MS Word में आपका क्या है, एक file बनी हुई है, आप उसे touch नहीं कर सकते. जब तक क्या है, आप printer के through क्या नहीं कर सकते, उसको print out नहीं निकालेंगे और उसे touch करेंगे, that is your hard copy. यानी कि हमारा printer क्या काम करता है, images on a paper means convert a soft copy to a hard copy. It is a peripheral output device and it prints data that is processed by the computer. And printers are broadly classified into two groups, impact printer and non-impact printers. Impact printers include dot matrix printers and non-impact printers include inkjet printers, thermal and laser printers. And we can also classify printers on the basis of features like uses of color and fonts. Simple hai. There are two types of impact and non-impact. ठीक है, impact printers के तो dot dot में काम करता है, यानी कि एक dot dot करके वो क्या करता है, print करता है. But non-impact में क्या होता है, वो line by line आपका क्या है, print करता है. Second, ये आपका output device है. फिर से एक न्यू मैंने आपके लिए डेफिनेशंस यहाँ लेकर आई हैं ताकि बच्चों को समझ ना आया हो. अ प्रिंटर प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी परमानेंट ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट एंड और अ ग्राफिक्स. फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है, अपना अपने पासपोर्ट साइज का फोटो निकलवाना है, तो क्या उसके लिए भी क्या है, आप प्रिंटर यूज करेंगे. बट उसमें शीट अलग यूज होती है, जैसे आपकी A4 शीट होती है, उसमें क्या है, वो शीट ही यूज होती है. पर आपकी वो शीट काफी हार्ड और काफी स्मूथ होती है. उसमें आपके अपना ग्राफिक्स ग्राफिक्स लाइक अपना आप पासपोर्ट साइज का फोटो निकलवा सकते हैं. डॉक्यूमेंट स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूजली ऑन अ फिजिकल प्रिंट मीडिया सच एज अ पेपर. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रिंटर, देयर आर इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर. नहीं, हमारे पास टू टाइप के प्रिंटर्स जो होते हैं, वो हमारा इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं. द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय अ डॉट पर इंच. ओके, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको. रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन अ डॉट पर इंच. द हायर द वैल्यू, द बेटर द क्वालिटी. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योर प्रिंटर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ योर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स. इन अ इंपैक्ट प्रिंटर देयर इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर. और इन अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स देयर आर इंजेक्ट प्रिंटर, लग्जरीज, या फिर आपका लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इंपैक्ट प्रिंटर. इंपैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट एज वेल एज अ ग्राफिक्स. एंड द वर्किंग ऑफ अ इंपैक्ट प्रिंटर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द टाइपराइटर. इंपैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स वेयर अ फिजिकल कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्रिंट हेड, रिबन कार्टेज एंड अ मीडिया पेपर. द इंपैक्ट रिजल्ट इन प्रिंटिंग ऑन अ पेपर अंडर द इंक रिबन. एंड द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इम्पैक्ट प्रिंटर. ओके, इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ, यानी कि जो आपका पेज है और जो आपका जो रिबन है उनके, मतलब कार्टेज जो है उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. वो स्प्रे नहीं करता, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, उसमें वो इंक जो आपकी होती है वो, मतलब आपके दूर से, मतलब क्या है, वो थोड़े से स्पेस से क्या करता है, वो स्प्रे करता है. बट इसमें क्या है, वो डायरेक्टली क्या करता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में आता है. दैट इज योर इंपैक्ट प्रिंटर्स. ओके, फर्स्ट वन इज अ डेजी व्हील प्रिंटर्स. अ डेजी व्हील प्रिंटर्स वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ बॉल हेड टाइपराइटर. ओके, द डेजी व्हील इज अ डिस्क मेड ऑफ अ प्लास्टिक और अ मेटल ऑन विच करेक्टर स्टैंड आउट इन अ रिलीफ अलोंग द आउटर एज. That is your daisy wheel printer. Next one is your line printer. Line printer, high speed impact printers that print entire line at a time. Okay, line printer क्या काम करेगा कि
और प्रिंटर्स क्या होते हैं, वो डॉट बाय डॉट करते हैं, बट ये क्या करेगा, एंटायर लाइन जो होगी आपकी क्या है, वो एक ही टाइम पर क्या कर देगा, वो आपका प्रिंट कर देगा. ओके, स्पीड मेजर इन द लाइंस पर मिनट. ओके, बैंड प्रिंटर प्रिंट्स फुली फॉर्म्ड कैरेक्टर यूजिंग अ हामर मैकेनिज्म एंड सेटल्स मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ हाई स्पीड प्रिंटर दैट वर्क्स लाइक अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स. नेक्स्ट वन इज योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. दीज प्रिंटर क्रिएट एन इमेज ऑन द प्रिंट मीडियम विदाउट द यूज ऑफ अ फोर्स एंड दे डोंट टच द पेपर वाइल क्रिएटिंग एन इमेज. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर्स दैन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एज दे डोंट स्ट्राइक द पेपर. बस देर आज द वन मेन डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो डायरेक्टली क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं जो आपका हार्ड जो पेज होता है ए फोर शीट उसके साथ. बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो क्या है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करता है, वो टच नहीं करता है किसी भी पेपर को विदाउट फोर्सिंग इट, द यूज ऑफ विदाउट फोर्सिंग इट, यानी कि तब वो काम करता है. फर्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है इंजेक्ट प्रिंटर. इट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी प्रिंट. अ स्टैंडर्ड इंजेक्ट प्रिंट हैज रेजोल्यूशन ऑफ 300 डॉट पर इंच. न्यूअर मॉडल हैव फर्दर इम्प्रूव्ड अ डीपीआई. इंजेक्ट प्रिंटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटर हाफ ऑफ 1980s एंड आर वेरी पॉपुलर ओविंग देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. यानी कि यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं. ओके, ये आपके पास जो क्या है, हमारा आपका इंजेक्ट प्रिंटर है. सेकेंड वन इज अ व्हाट इज अ लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर इज अ प्रिंटर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर प्रिंटिंग गुड क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल बाय यूजिंग अ लेजर बीम टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज डॉट ऑन अ लाइट सेंसिटिव ड्रम एंड विच अट्रैक्ट टोनर और अ ड्राई इंक पाउडर एंड द टोनर इज ट्रांसफर्ड टू अ पीस ऑफ अ पेपर एंड फिक्स्ड बाय हीटिंग फोर्स. यानी कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो लेजर जो होती है, लेजर बीम होती है, एक लाइट होती है आपकी, जिस तरीके से आप अपने प्रोजेक्टर की स्क्रीन में जो यूज करते हैं, उसी तरीके की क्या है, एक लेजर लाइट होती है, उसके थ्रू क्या होता है, ये एक पैटर्न को फॉर्म करता है और वो क्या करता है, इस जो आपके ड्राई इंक है, ड्राई इंक पाउडर, उसके थ्रू क्या है, वो आपकी इमेज या फिर जो भी आपके टेक्स्ट है उसको फॉर्म करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज योर थर्मल प्रिंटर्स. दैट इज ऑल्सो योर इन योर पार्ट ऑफ योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. एंड थर्मल प्रिंटिंग इज अ डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस अ प्रिंटिंग इमेज बाय सिलेक्ट एक्टिव हीटिंग कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर और थर्मल पेपर एज इट इज कॉमनली नोन. व्हेन द पेपर पास्ड ओवर द थर्मल प्रिंट हेड द कोटेड टर्न ब्लैक इन द एरिया वेयर इट इज हीटेड प्रोड्यूस एन इमेज. यानी कि ये आपके कहां पर, जहां पर आपके बिल्स निकलते हैं. अब आपको पता होगा कि आप अपने डिपो में जाते हैं, डिपो में भी क्या है, जब आप राशन लेते हैं उसके बाद जो आपको ये चिप मिलती है, यानी कि चिप नो नॉट अ चिप, यानी कि आपको जो बिल मिलता है वो क्या है, वो इसी मशीन के थ्रू जो क्या है, ये डिफरेंट टाइप के थर्मल प्रिंटर्स होते हैं और इसे अलग अलग जगह पे इसे यूज करते हैं. काफी छोटे साइज के भी होते हैं, काफी बड़े साइज के भी होते हैं. यानी कि आप कहीं मॉल्स में चले जाओ या कहीं पर भी, तो क्या है, वो बिल की जो आपका जो पेपर होता है उसको निकालने के लिए क्या यूज होता है, थर्मल प्रिंटर. और ये काम करता कैसे है, ये विच प्रोड्यूस प्रिंट इमेज बाय सिलेक्टिव हीटिंग कोटेड. यानी कि आपके पास हीट करता है कोटेड, कौन सा पेपर यूज करते हैं, थर्मोक्रोमिक पेपर यूज होता है इसमें. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, व्हेन द पेपर पासेस ओवर द थर्मल प्रिंट हेड, तो क्या है, वो क्या करता है, उसको हीट पैदा करता है, उसके थ्रू क्या कर देता है, वो उसमें प्रिंट कर देता है. ओके गाइस, एंड दैट इज ऑल अबाउट इन दिस देयर ऑन अ प्रिंटर्स टॉपिक. एंड वी विल डिस्कस अबाउट इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर फैक्स मशीन एंड उसे क्यों यूज करते हैं. काफ़ी वो जो यूज़ होती है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर अब यूज़ होती है इतनी, वो अब कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा उसका यूज़ होता है. तो नेक्स्ट उसको उसमें मैं डिस्क्राइब करूँगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है या कहीं भी कोई मतलब कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा. थैंक्स.